सख्त सुरक्षा के विचकार हजारा किसान अज टिंगू टिकरी ते गाजीवर बॉर्डर से तीन खेतीबाड़ी कानूनों के विरुद्ध ट्रैक्टर रैली कढ़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां दे नाल नाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो इलावा होर वख-वख किसान यूनियन वालों ये ट्रैक्टर परेड मार्च कढ़िया जा रहा है। प्रदर्शन कर रही किसान जथेबंदियों के आगुआ ने कहा कि 26 जनवरी हरियाणा पंजाब ते उत्तर प्रदेश के वख-वख हिस्सों तो राष्ट्रीय राजधानी लिए आने वाले ट्रैक्टर की प्रस्तावित परेड तो पहला यह रिहर्सल दे वांग है। किसानों वालों सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने लिए ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया है। किसानों वालों ट्रैक्टर मार्च के जरिए दिल्ली की घेराबंदी की गई है। इसी तरह किसानों ने अपने अंदोलन होर भी तिखा कर दिता है। किसानों का कहना है कि असं अपना हक लैके ही जावे चाहे कुछ भी हो जाए। तुम दस दें कि किसान जथेबंदियों वालों कढ़िया जा रहा अज का यह ट्रैक्टर मार्च केंद्र सरकार ने 8वें दौर की गलबात तो पहला हो रहा है। भलके किसान केंद्र सरकार के विचाले मुड़ तो किसानी मसले पर चर्चा होगी। वड्डी गिनती में किसान ट्रैक्टर लैके दिल्ली दे सरहदां ते ट्रैक्टर मार्च कढ़ रहे हैं। किसान जथेबंदियों के आगुआ का कहना है कि सरकार को समझाने लई असीं यह सब कर रहे हैं। किसानां ते केंद्र सरकार विचाले 7वें दौर की बैठक फेल होने बाद किसानों ने अपना अंदोलन तेज कर दिता है। किसान जथेबंदियों ने चेतावनी दी है कि अज की ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी निकल वाली रैली का ट्रेलर है। मैं सरमन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सेक्रेटर बोल रहा हूँ। जैसा देश की सभी यूनियन ने फैसला किया कि आज 26 जनवरी के उपलक्ष में जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसकी रिहर्सल परेड जो है आज 7 को की जाएगी। तो आप देख सकते हैं पीछे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के हजारों ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं जो KMP के ऊपर आगे बढ़ेंगे। और ट्रैक्टर मार्च जो इधर के अपना सिंघू बॉर्डर से टिकरी की ओर और टिकरी से सिंघू बॉर्डर की ओर जाएगा, इस तरह से गाजीपुर से पलवल की ओर ये ट्रैक्टर मार्च आज होगा। और सरकार के जो तोमर जी के बयान आए हैं कि बातचीत जो है सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रही है और अगली कुछ मीटिंगों में निर्णय की गंजाइश है, तो वो तथ्यों से तोड़ मड़ोड़ के बात कर रहे हैं। हकीकत ये नहीं है, सरकार बातचीत के लिए ना तो सीरियस है ना सनसीरियस है। ये एक टेलर होगा, समय रहते सरकार को इन मुद्दों रिपोर्ट पंजाब टुडे।